कोरोना पर इस वक्त की एक बड़ी खबर है वो आपको दे दें, दिल्ली के सटे गुरुग्राम से, जहां कोरोना को लेकर जिला प्रशासन ने एक एडवाइजरी जारी की है। गुरुग्राम के डीएम ने सभी आईटी कंपनीज, एमएनसी, बीपीओज, ये तमाम जो कंपनियां, इनके लिए एडवाइजरी जारी की है और 31 मार्च तक कर्मचारियों को घर से काम करने के लिए कहा गया है। इस खबर पर और अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सुनील कुमार इस वक्त जुड़ रहे हैं। सुनील, ये कदम एहतियातन उठाया गया है जिला प्रशासन की तरफ से, या कुछ जानकारियां जिला प्रशासन को मिल रही थी जिसके बाद ये कदम उठाना पड़ा? हुसैन, देखिए, आज ही गुरुग्राम में दो केस पॉजिटिव पाए गए हैं कोरोना के। एक महिला जो कि मलेशिया से लौटी थी, 29 वर्षीय, जबकि एक शख्स जो कि सेक्टर 50 में रहते थे, उनका पॉजिटिव पाया गया है केस। उसके बाद आज शाम को ही गुरुग्राम प्रशासन के द्वारा एक एडवाइजरी जारी की गई है। गुरुग्राम में जितने भी आईटी फर्म्स हैं, बीपीओज हैं, एमएनसी कंपनीज हैं या उद्योग हैं, उन सबको एक एडवाइजरी जारी की है कि वो इमीडिएट इफेक्ट से अपने कर्मचारियों को कहे कि वो अपने घर से ही काम करें, क्योंकि जिस तरह से कोरोना की वजह से लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, तो लोगों को एहतियात के तौर पर उनके घर से ही काम करने की सलाह दी गई है, एडवाइजरी जारी की गई है और 31 मार्च तक का इसमें समय दिया गया है। जी हुसैन, सुनील, ये जरूरी है या जो चाहे वो कर सकते हैं, जो नहीं चाहते वो ऑफिस आ सकते हैं? हुसैन, देखिए, डीपीआरओ के द्वारा पत्रकारों को एक लेटर जो जारी किया गया है, डीएम ने जो लेटर जारी किया है, आदेश जारी किया है, उसमें एडवाइजरी, एडवाइस शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जबकि उसमें जो महामारी कानून है उसके तहत भी एक एक्ट का जो उल्लेख है वो किया गया है कि इसके तहत ये एडवाइजरी जारी की जा रही है। एडवाइस जारी की गई है कि विद इमीडिएट इफेक्ट आप अपने कर्मचारियों को बोल दें कि वो अपने घर से ही काम करें। सुनील, कुछ कंपनीज के अधिकारियों से आपकी बातचीत हो सकी हो, किसी एमएनसी से, किसी बीपीओ के अधिकारियों से, वो क्या कह रहे हैं इस एडवाइजरी के आने के बाद? देखिए हुसैन, जब से ये कोरोना लगातार भारत में पैर पसार रहा है, केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, उसके बाद से गुरुग्राम में अगर हम देखें तो चाहे वो सरकारी विभाग हो या कोई प्राइवेट कंपनीज हो, एमएनसीज हो, आईटी फर्म्स हो, उनमें सैनिटाइजर्स के इस्तेमाल को बढ़ा दिया गया है, एहतियात बरती जा रही है। हालांकि हमारी अभी किसी से बात नहीं हो पाई है, किसी एमएनसी कंपनी के अधिकारियों से, कर्मचारियों से, लेकिन उम्मीद ये जताई जा रही है कि जिस तरह से एडवाइजरी जारी की गई है गुरुग्राम प्रशासन के द्वारा, उसको प्रमुखता से लेते हुए। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील इस अपडेट के लिए। तो गुरुग्राम में तमाम जो कंपनी